दोस्तों एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, विनफोसिस और डेलाइट दोनों को कंपेयर करेंगे। जो नॉर्मल पॉइंट्स है जैसे ऑन साइट जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस और कंपनी कल्चर और मैनेजर्स का, तो दोनों ही रेपूटेड कंपनी है, दोनों ही बड़ी कंपनी है, दोनों के ही एम्प्लॉइज़ अगर हम वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन इन्फी जो है वो प्योरली आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए जानी जाती है, जबकि डेलॉयट का रेपुटेशन एज टैक्स एंड ऑडिटिंग कंसल्टिंग के लिए भी जाना जाता है। सो हम लोग कवर करेंगे इन्फोसिस इंडिया एंड डेलॉयट इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम दोनों का है, दोनों ही ग्लोबल लेवल की कंपनी है। तो अगर आप किसी भी दोनों में से किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपके रिज्यूमे पे एड वेट एड होता है। लेकिन तो ये है कि इन ये दोनों में मुझे लगता है कि दोनों आसपास ही है, 19-20 का फ़र्क है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, दोनों ही जगह जॉब सिक्योर है अगर आप 2-4 साल के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आप उससे लंबा काम करना चाहते हैं तो फिर परफॉर्मेंस वगैरह बहुत मैटर कर जाता है, आपकी नेटवर्किंग मैटर कर जाती है। तो जॉब भी सिक्योर है। इन्फोसिस के पास डेफिनेटली ज़्यादा क्लाइंट है, और चूँकि आईटी प्रोजेक्ट्स भी उनके पास कंपेरेटिवली इन्फोसिस के पास ज़्यादा है। अगर आप उनकी उनका जो ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग है वो इन्फोसिस का वो मच बेटर है डेलॉयट से। ट्रेनिंग में तो खैर उनका मैसूर का कैंपस बहुत फेमस है ट्रेनिंग के लिए, और प्रोजेक्ट वाइज भी इन्फोसिस के पास बहुत ज़्यादा है। आप इन्फोसिस ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है कि आपने एक मिनी सिटी या मिनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे हर तरह के लोग, हर कास्ट रेस रीजन के लोग हैं। डेलॉयट में भी है, बट इन्फी का अपना कैंपस है तो इट लुक्स मच बेटर। दोनों के मल्टीपल लोकेशंस खासकर मेट्रोज में ऑफिस हैं, तो यहाँ पे चॉइसेस हैं, नॉर्थ साउथ में भी ईस्ट वेस्ट आप जा सकते हैं। और हाइक की बात करें तो हाइक, जैसे मैंने बोला कि डेलॉयट इज़ मच बेटर इन हाइक कम्पेयर टू द इन्फी। डेलॉयट के कॉम्पनसेशंस और जो बाकी वो साल में कुछ बोनसेस और कुछ अवार्ड्स वगैरह देते हैं वो इन्फोसिस से मच बेटर है। और डेलॉयट इज़ नोन एज ए पे मास्टर, तो उसमें कोई डेलॉयट और इन्फी का कंपेरिजन नहीं है, डेलॉयट इज़ डेफिनेटली बेटर। और वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली इन्फी इसमें बेटर है। इन्फी में मैं ये नहीं कह रहा सारे प्रोजेक्ट्स में, लेकिन हाँ इन्फी इज़ वर्क लाइफ बैलेंस इन्फी में मच बेटर है कंपेयर टू द डेलॉयट। डेलॉयट में आपको हो सकता है कि सम टाइम नॉट ऑलवेज सैटरडे संडे भी काम करना पड़े, नॉट इन ऑल प्रोजेक्ट्स। और ऑन साइट अपॉर्चुनिटी दोनों कंपनी में ऑन साइट है, लेकिन इन्फोसिस में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन एक और चीज़ आप देखो, अगर इन्फोसिस में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो मे बी एक ऑन साइट ओपनिंग के लिए, चूंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिया में इतने ज़्यादा है कि एक ऑन साइट ओपनिंग के लिए 10 हों, जबकि डेलॉयट में अगर यही ओपनिंग हो तो 5 हो। तो समटाइम डेटा जो है वो डायरेक्ट विजिबल जो होता है वो सही नहीं होता है, बट एनी अगर हम नंबर वाइज देखें तो इन्फोसिस में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कंपेरेटिवली कहीं ज़्यादा है। एक्सपोजर टू द न्यू टेक्नोलॉजी दोनों ही कंपनियों में टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा है, और अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है तो उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो इन दैट वे इट इज़ बोथ कंपनीज आर गुड। मैनेजर्स लोगों की बात करें, जो वर्क कल्चर जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे डेलॉयट मच बेटर है। डेलॉयट में ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। वैसे तो देखो बहुत कुछ प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है, बट या सो तो बट हाँ डेलॉयट में जो है ज़्यादा फ्रेंडली कल्चर है, मैनेजर्स भी मोर कोऑपरेटिव एंड मोर सपोर्टिव है। और उसके बाद हम आते हैं कि कॉम्पनसेशन मैंने कवर कर दिया, नाउ कम्स टू द बेनिफिट। डेफिनेटली डेलॉयट में बेनिफिट ज़्यादा हैं। डेलॉयट कुछ ऐसे रिम्बर्समेंट भी करती हैं इन ए ईयर जो कि आपके ऑफर लेटर में नहीं होता है, बट स्टिल दे रिम्बर्स, जबकि इन्फोसिस के साथ ऐसा नहीं है। इन्फोसिस में जो नॉर्मल बेनिफिट्स हैं मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस वो है, बट डेलॉयट के बेनिफिट्स थोड़े ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली। अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर भी दोनों का उठा के देखें तो हो सकता है कि दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर सैलरी सीटीसी सेम दिखा रहा हो, बट जो टेक होम आएगा आपका वो डेलॉयट का मच बेटर आएगा।
और डेलॉयट अपने फिक्स वेरिएबल पर ज़्यादा फोकस करती है, वो कभी भी वेरिएबल को बताती नहीं है, लेकिन वो वेरिएबल हमेशा अच्छा देती है। ये एक बात हो गई। ओवरऑल अगर मैं कुल मिला के कहूँ कि अगर आपको डेलॉयट और इन्फोसिस का ऑफर मिले तो डेफिनेटली बोथ आर गुड कंपनीज। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपके पैरामीटर्स क्या हैं। अगर आपको हाइक और अगर आप मनी फोकस्ड हैं तो आप डेलॉयट जाइए, और अगर आपको लगता है वर्क कल्चर ज़्यादा बेटर चाहिए आप डेलॉयट चाहिए। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी चाहिए, लर्निंग अच्छी चाहिए आप इन्फोसिस जाइए। अगर आपको वैरायटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स पे काम करना है आप इन्फोसिस जाइए। और डेलॉयट का नोटिस पीरियड जो है वो मच बेटर है इन्फोसिस से। आई सपोज इन्फोसिस का 3 मंथ है और डेलॉयट का 2 मंथ है। तो जैसा कि मैंने बोला कि दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन आपके पैरामीटर्स क्या है उस बेस पे आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी कंपनी जाना है। अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोकेशन वगैरह सब कुछ बेटर है, और अगर आपके पास 2 कंपनियों का ऑफर है, सारी चीज़ें अगर इक्वल हो, तो इवन सैलरी भी अगर इक्वल है, तो फिर मैं मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि डेलॉयट ज्वाइन किया जाए। अगर दोनों में सब कुछ इक्वल हो, अगर CTC वगैरह सब कुछ इक्वल हो, तो डेलॉयट इज़ बेटर। एंड दे आर स्टिल ग्रोइंग इन इंडिया। इन्फोसिस में मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी सैचुएशन और काफ़ी एट्रिशन आ चुका है, बट डेलॉयट अभी भी ग्रो कर रहा है, तो ग्रोइंग कंपनी है इन IT इन इंडिया। सो डेलॉयट को मैं थोड़ा सा 20-19 का ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन डेलॉयट को मैं 20 बोलूँगा। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज ये वीडियो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो किसी और को भी हेल्प कर सकता है। सो दैट मच आई कैन से, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गाइज, इफ़ यू एंजॉय द वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अदर वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं वो भी देखिए। थैंक यू।